हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था कि अपना जो मैक्स वन था, मैक्स वन का हम लोग क्या कहते थे, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर नंबर वन। ओके, और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 तो पूरा का पूरा फिनिश किए थे। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 1.3। और 1.3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके और ये छुट्टी में अपने बोलते ना कि बेसिक को मजबूत कर सके और थोड़ा सा लोगों से आगे जा सके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.3 मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें आता क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब होता है रिजल्ट। ओके, क्वांटिफायर्स का मीनिंग होता है सिंपल सा वर्ड में, दैट इज रिजल्ट। हिंदी में परिणाम भी बोलते हैं। ओके, तो रिजल्ट्स इसमें आता है। देखो इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होते हैं। उसकी स्टेटमेंट जो होते हैं दो होते हैं। अब क्या कहते हैं देखते हैं, पहला एंड दूसरा। ये होता है फॉर ऑल। ओके, फॉर ऑल। और ये होता है उल्टा, ही होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ओके, अब इसके लिए मैं कंडीशन भी बनाता हूं, आपको दिखाता हूं। पहले वाले के लिए एग्जांपल दिखाता हूं, दूसरे वाले के लिए एग्जांपल दिखाता हूं। देखो फॉर ऑल है, तो मैं यहां पे बोलता हूं एक्स स्क्वायर। हाँ, और जो एक्स स्क्वायर है बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 डॉट डॉट एन तक जाएगा, ये है बराबर। रुक जाओ, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स बिलोंग्स टू एन। ओके, और बोलूंगा जो एक्स है, एक्स इज क्या जाएगा, इवन नंबर। ओके, एक्स इज इवन नंबर, बराबर। जाहिर सी बात है, एक्स स्क्वायर अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आने वाला है, इसको छोड़ दो। हाँ, 2 का स्क्वायर, ऐसा इवन नंबर मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल था जो कि फिट बैठना चाहिए। ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ओके, इज ऑड नंबर, ऑड इवन नंबर, इवन नंबर। ओके, और एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक कंडीशन है और इज अ इवन नंबर हमने बताया है, और एक्स बिलोंग्स टू एन। अगर मैं इसमें 1 रखता हूं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो इवन नंबर है, 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर 4, ओके, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 3 रखता हूं 3, 9 प्लस 3 12। देखो सब क्या है, इवन नंबर आ रहा ना, तो ये क्या है, इवन नंबर है। यानी कि जो n का नेचुरल नंबर है इसमें 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, हर एक वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, हर एक वैल्यू, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी वैल्यू आर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। ओके, तब हम कहेंगे कि भैया क्या है, फॉर ऑल वैल्यू क्या कर रहा है, यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या, इवन नंबर है। ओके, पहला काम हो गया। फॉर ऑल का मतलब कहता है कि हर एक वैल्यू जो भी आपका टेबल में दिया रहेगा वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, ये कंडीशन को। ओके, अगर हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो क्या है, फॉर ऑल है। और उसमें से कोई एक वैल्यू, हाँ, जिसमें क्या पे लिखता हूं एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू होता है 12, और बोल के दिया जो एक्स बिलोंग्स टू एन होगा नेचुरल नंबर। ओके, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जाहिर सी बात है यहां पे मैं 3 रखूंगा, 3 प्लस 9 12 होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर 12 नहीं होगा। यहां पे एक्स इज इक्वल टू 3 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब ही होता है कि एक ना एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ओके, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई एक ना एक वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, जब सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या है, देयर एग्जिस्ट, एक ना एक वैल्यू क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, फिर आता है ड्यूअल। ड्यूअलिटी बोलो या तो ड्यूअल बोलो, ड्यूअलिटी में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, ओके, उसका सिर्फ साइन चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लेता हूं कि पी एंड क्यू, तो इसका ड्यूअलिटी करना है तो हो जाएगा पी और क्यू हो जाएगा। ओके, एक और ले लेता हूं मैं, पी और क्यू एंड आर, इसका ड्यूअलिटी करना है तो देखो ये और का साइन एंड हो जाएगा, ए नेगेशन करता हूं तो पहले नेगेशन ऑफ पी ले लूंगा, और का एंड ब्रैकेट सेम, और यहां पे आर ले तो यहां पे एस लेता हूं, तो आर और एंड का और यहां पे एस एज इट इज। ओके, देखो ड्यूअलिटी का मतलब क्या होता है कि सेम, हाँ, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा पूरा कट टू कट सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होना है। अब उसमें नेगेशन तो नेगेशन ही सेम रहेगा, जब चेंज क्या होगा, जो इसके साइन है, साइन क्या है इसका, ये देख रहे हो, ये और का एंड, एंड का और का एंड, एंड का और, बस इसमें ही चेंजेस होने वाले हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सपोज मैंने बोल दिया वाटर इज
हॉट, ओके। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, वाटर इज नॉट हॉट। अगर मैंने बोला वाटर हॉट है तो उसका नेगेशन वाटर इज नॉट हॉट, ओके। तो इस तरीके से करना है आपको, और नेगेशन मतलब कहता है तो नहीं है, नहीं है तो है, ओके। अब कहता है कन्वर्स, कहता है कन्वर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स के लिए क्या होता है, पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक कंडीशन दिया जाता है, कन्वर्स से पहले कंडीशन देगा, और यहां पे कंडीशन हमेशा क्या रहता है, इफ और देन रहता है, ओके। इफ और देन आपका कंडीशन रहेगा, तो इफ देन आपको पता है क्या होता है, पी इंप्लाइज क्यू होता है, तो यहां पे पहले लिखता हूं इसका कंडीशन का, पी इंप्लाइज क्यू। अब बोलेगा इसका कन्वर्स बताओ, कन्वर्स मीन्स क्या होता है कि इसको फ्लिप कर दो, क्यू को पहले पी को बाद में, यहां पर हो जाएगा पी सॉरी क्यू ना, क्यू इंप्लाइज पी, ओके। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि Q को पहले ले लो, P को बाद में, मतलब दोनों का प्लेसेस चेंज कर दो, ओके। बाकी इंप्लाइज सेम रहेगा, प्लेसेस चेंज कर दो, उसको बोलते हैं कन्वर्ज, ओके। अब जो इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, पहला वाला इसका नेगेशन कर दो, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ओके। इनवर्स में क्या होता है, जो पहला आपका स्टेटमेंट था इफ देन वाला इंप्लाइज वाला, उसका नेगेशन कर दो, ये होता है इनवर्स। अब आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जो आपका कन्वर्ज है ना, कन्वर्ज, इसका क्या कर दो, नेगेशन कर दो, तो नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ये हो गया आपका यहां पे सॉल्व। देखो कन्वर्ज पहले क्या था, कंडीशन दिया जाए तो आपका कंडीशन में आ जाएगा, ओके। इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका आता है कन्वर्ज, कन्वर्ज क्या होता है, इसको फ्लिप कर दो, पी इंप्लाइज क्यू है तो इसको क्या करेंगे, क्यू इंप्लाइज पी करेंगे, इसको फ्लिप कर दिया, ये आपका हो गया कन्वर्स, ओके। अब इनवर्स में क्या होता है, जो आपका पहला था ना, पहला, उसको क्या कर दो, नेगेशन लगा दो, दोनों में, दोनों में नेगेशन लगा दिया, ये आपका हो गया इनवर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड वाले में नेगेशन लगा दो। अब ध्यान से देख सकते, देखो यहां पे भी सी है, यहां पे भी सी है, सी वाले का नेगेशन कर दो, अगर इनवर्स आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला, कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं समझ रहे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहां से लाना है, तो सीधा देखो सी सी दिख रहा है ना, इसका डायरेक्ट नेगेशन कर दो। आप एक ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ओके, जिसमें कि जो आपको पता है, जो जो पैरेललोग्राम होते हैं, देख लो ये फर्स्ट थर्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेकंड और फोर्थ सेम होते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप समझने के लिए आपको अपने आपको ऐसा बोल सकते हो कि मे भी ऐसा होगा, ओके, ये गलत भी नहीं है, आप सोच सकते हो। तो ये देखो पूरा है बेसिक, वापस एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ओके। देखो पहला क्वांटिफायर से, क्वांटिफायर का मतलब कहता है, इसका मीनिंग होता है रिजल्ट, कहता है रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होता है, या तो सभी के सभी जो वैल्यू रहेंगे सेटिस्फाई कर सकते हैं, या तो कोई एक या दो वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो सभी सेटिस्फाई करेंगे या तो कुछ वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे फॉर ऑल आता है सभी के लिए, ऑल वैल्यू के लिए फॉर ऑल आता है, ओके, और इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, ओके। और फिर आता है ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी में क्या होता है, सिर्फ हमको चेंज करना क्या, और का एंड का और, बाकी सब साइन चेंज। फिर आता है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, आपका ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका नेगेशन करना है तो नहीं है, नहीं है तो है, ओके। फिर आता है क्या दिया है, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इसके लिए कंडीशन दिया जाएगा इफ देन करके, तो ये रहेगा ऐसा, कन्वर्स में क्या आएगा, फ्लिप कर दो आप क्यू को पहले पी को बाद में, और फिर जब इनवर्स आएगा तो पहले वाले में नेगेशन लगा दो, कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव आएगा तो सेकंड वाले में नेगेशन लगा दो, ओके। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, अगर आपको नहीं समझ सकते रिवाइज कर लो, ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक हम लोगों ने पूरा बेसिक देख लिया था, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12, फिर ब्रैकेट क्लोज है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पूरे 6 के 6 क्वेश्चन है और बोला है इसका ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करो। इसके देखो जिसका मेन वैल्यू यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर क्या बोला, सच दैट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो इसमें से कोई एक ना एक वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करता होगा, चेक करते हैं हम लोग, 3 रखते हैं यहाँ पे तो 3 में से 8 गया तो माइनस 5 आएगा, नहीं करेगा। 5 रखते हैं 8 में से 5 गया तो माइनस 3 नहीं आएगा। 7 रखते हैं 8 में 7 गया माइनस 1 नहीं करेगा। 9 रखते हैं 9 में से 8 गया तो 1 आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखो एक्स इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद लिखने का ट्रूथ वैल्यू, हाँ ट्रूथ वैल्यू ऑफ द, या तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंडीशन,
ट्रूथ वैल्यू इज टी हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, हाँ ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू इसका ऐसा ऐसा मत लिखो, रुको एक और है, क्या है बोला है x इक्वल टू 9 सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमको बताना है ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगा इसका, ट्रू होगा, गिवन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज क्या जाएगा ट्रू, क्योंकि भैया जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है, ट्रूथ क्या है इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या जाएगा टी हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना है कि पहले देखना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक सेटिस्फाई किया है तो लिखना पड़ेगा सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, फिर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, जो स्टेटमेंट दिया ट्रू है ना, क्योंकि देयर एग्जिस्ट का मतलब ही होता है कि कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे वो वैल्यू कौन सा है 9 है, 9 क्या कर रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है ट्रू है, तो हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके ये हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। ओके चलो चेक कर लेते हैं, तो एक्स से पहले 3 लेता हूं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, फिर 5 है 5 का 25 प्लस 5 30, फिर 7 है 7 का 49 प्लस 7 7 5 56 आ रहा है, यानी देखो सब क्या रहा इवन नंबर आ रहा है, तो उसे डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे भी लिखेंगे ऑल वैल्यू ऑफ द, लिखो ऑल वैल्यूज, हां ऑल वैल्यूज आर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ऑल वैल्यूज आर सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। ओके ऑल वैल्यू क्या कर रहा है गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा द ट्रूथ, ऐसा लिखा द गिवन स्टेटमेंट, ऐसा लिखा द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ओके हेंस ध्यान से कहा जो ऑल वैल्यू क्या है फॉर ऑल लिखा है, इसके लिए ऑल के ऑल वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए तो कर रहे हैं, ऑल वैल्यू आर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, अगर ऐसा है तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ओके अब आ जाते थर्ड पे, देखो देयर एग्जिस्ट बोला है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। ओके चलो देखो 3 का स्क्वायर 9 जीरो से लेस है नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 है जीरो से लेस नहीं, दे ऑल वैल्यूज आर क्या ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये कंडीशन आपका ऐसा दिया रहता तो क्या होता था सेटिस्फाई करता था कंडीशन को, बट ऐसा दिया इसके लिए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके तो यहां पे लिख दो ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज भरो ना ऑल वैल्यूज आर लिखो ऑल वैल्यूज आर नॉट सेटिस्फाई the given condition। ओके जो इसमें क्या हर एक वैल्यू क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा the given statement इस क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फॉल्स हो जाएगा, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा हो जाएगा। ओके अगर हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होता है सॉरी ट्रू होता है, यहां पे फॉल्स है ना नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान से देखना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, क्योंकि अगर जो यहां पे वैल्यू रखा तो जीरो से ग्रेटर आ रहा है, यहां पे लेस बोला है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मींस क्या है वो फॉल्स है, फॉल्स तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है एफ होता है, वो हम लोग स्टार्टिंग के लेक्चर में भी देखे हैं। अब आ जाते हैं 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स का हर एक वैल्यू चेक करो इवन नंबर है क्या, ये ऑड नंबर है, ए बी ऑड ए बी ऑड ए बी ऑड ए बी ऑड एक अकेला इवन है, कुछ फर्क है, फॉर ऑल का मतलब होता है हर एक वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हर एक वैल्यू अगर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये इवन नंबर नहीं हो जाएगा। ओके ये ध्यान रखना आपको कि फॉर ऑल का मतलब कहता है हर एक वैल्यू जो भी दिया रहेगा ना
हर एक वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। ओके तो यहाँ पे देखो ये 12 क्या कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या जाएगा फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे सेम लिखो इसके हिसाब, ऑल वैल्यूज आर नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ओके दो जो कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ओके इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर, और क्या द गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट इज क्या जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसको सॉल्व नहीं करवा क्या जाएगा फॉल्स हो जाएगा, तो हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इस क्या जाएगा एफ हो जाएगा। ओके अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता तो ट्रू होता, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फॉल्स है। हाँ अब आते हैं रेडी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट 3x प्लस का 8 इज ग्रेटर देन 40। तो चलो देखते हैं ना पहला वैल्यू क्या है, 3 है, 3 प्लस का 8, 3 3 जा 9 प्लस का 8, 9 8 कितना होता है, 9 8 कितना होता है 17 होता है। आप देखो बताओ 17 40 से ग्रेटर देन है कि लेस देन है, 70 40 से 40 बोला ना क्वेश्चन में, हाँ 3x प्लस का 8, हाँ ये बोला ग्रेटर देन है नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देयर एग्जिस्ट, तो दूसरा वैल्यू चेक करेंगे, 3 के बाद 5 चेक करो, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 जा 25 8 में 33 अभी नहीं हो रहा है, 7 करो, 7 जा 49 प्लस का 8 9 17 7 57 ये भी ए हो रहा है, ये हो रहा है। ओके तो देयर एग्जिस्ट का मतलब एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये भी करेगा ये भी करेगा ये भी करेगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा था क्या है ट्रू है। ओके तो लिखो x इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो 749 7 9 11 12 आर सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन कंडीशन। ओके ये जो वैल्यू से 7 9 11 12 आर सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यहाँ पे जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके तो सेटिस्फाई कर तो क्या है ट्रू है, यहाँ पे लिखो द गिवन स्टेटमेंट इस क्या जाएगा ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी हो जाएगा। ओके अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू है, नहीं कर रहा तो फॉल्स है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए 2x प्लस का 9 ग्रेटर देन 40। तो पहले 3 रखो, 2 इंटू 3 प्लस का 9, 2 3 जा 6 प्लस का 9, 9 से 15 होता है, 15 क्या ग्रेटर देन 14 है, यानी कि फॉर ऑल बोला है, तो जब 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो 5 7 9 11 12 क्या करेगा सभी के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके क्योंकि जब छोटी वाली सेटिस्फाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ी वाली तो सेटिस्फाई करेंगे ही। देखो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ऐसा सॉल्व करना है आपको, देखो 2 आगे पहले 3 रखूंगा तो देखो कर रहा है तो सभी, तो 2 पूरा टोटल मत करो, आप एक दो वैल्यू रख के चेक करो, अगर जो सेटिस्फाई कर रहा है तो समझो आगे सब करेगा, क्योंकि फॉर ऑल में बोला है ना। ये हो गया, यहां पे लिखो ऑल द वैल्यूज आर, ऑल वैल्यूज आर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ओके जो कंडीशन है उसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा लिखना है हमको द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। यह इस तरीके से करना है, देखो इसमें सबसे पहले आप चेक करो देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है एक भी वैल्यू अगर जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ओके फॉर ऑल में क्या होता है हर एक वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर उसमें से एक भी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। ओके अदरवाइज ट्रू है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, टू ड्युअलिटी
डुअलिटी बोला होता ड्यूअल बोलते इसके ड्यूअल लुक हो। ड्यूअल को मैंने आपको बताया ड्यूअल मतलब क्या होता है उसका नेगेशन, जस्ट अपोजिट कर दो होता है आपका ड्यूअल होता है। ओके चलो स्टार्ट करते देखते हैं कि पहले आपको लिखना पड़ेगा इट्स ड्यूअल इज, इसका ड्यूअल क्या होता है आपको बताया था मैंने, पी सेम रहेगा एंड और का एंड हो जाएगा, क्यू सेम रहेगा और का एंड हो जाएगा, खत्म एंड का और का एंड। फिर यहां पर आ जाओ फिर से लिखो इट्स ड्यूअल इज क्या जाएगा P और जो एंड है एंड का और Q और ये एंड है एंड का और। ओके फिर इसका लिखो इट्स ड्यूअल इज क्या जाएगा P और का एंड हो जाएगा और यहाँ पे एंड का और हो जाएगा Q R है और ये और का एंड हो जाएगा। ओके सिर्फ साइन चेंज करना है, ये ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। देखो ये वाला क्या है इट्स Dwell is P and का और negation of Q as it is रहेगा, इसमें कुछ changes होने वाला नहीं है, चाहे negation हो चाहे कुछ हो same रहता है वो। फिर से लिखो its dwell is क्या है negation of P और का and Q और and का और negation of R और S। okay फिर से its dwell is its dwell is क्या जाएगा negation of P same एंड का और नेगेशन ऑफ क्यू से एंड का और पी और एंड के और की जगह पे एंड क्यू और एंड के जगह पे और नेगेशन ऑफ आर। बस सबको ध्यान में रखना है कि साइन सेम रखना, साइन अगर जो नेगेशन है तो नेगेशन को सेम रखना ही है, बाकी हमको और एंड को सिर्फ चेंज करना है, एंड रहेगा तो और रहेगा तो एंड। अब मैं इसका डायरेक्ट करता हूँ, ये नेगेशन सेम रहेगा पी देखो ये क्या है और ये और का एंड हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखो ये क्या है एंड का और हो जाएगा P, ये एंड है एंड का सॉरी और का क्या जाएगा एंड हो जाएगा, फिर नेगेशन Q ये देखो एंड का क्या जाएगा और हो जाएगा नेगेशन ऑफ S खत्म। फिर यहाँ पे उसका भी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ड्यूअलिटी, तो देखो C की जगह पे क्या आता है T आता है और का एंड, हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे आपको एक चीज सीखना है, अगर आपका C है तो C का उल्टा क्या आता है T होता है, C की जगह पे आपको T लिखना है और T की जगह पे आपको क्या लिखना है C लिखना है। ओके इतना सा तो आपको चेंजेस करना है, यहाँ पे ब्रैकेट है पी एंड की जगह पे और क्यू और की जगह पे एंड आर सेम, फिर यहाँ पे आ जाओ नेगेशन ऑफ पी एज इट इज और ये है और की जगह पे एंड हो जाएगा। ओके फिर ब्रैकेट क्यू एंड की जगह पे और हो जाएगा और ये भी एंड की जगह पे और टी की जगह पे सी। ओके फिर टेंथ वाला देखो पी है और जगह पे एंड हो जाएगा सेम है क्यू और ये और जगह पे एंड हो गया सी जगह पे टी हो गया बस खत्म, जहां पे और है वहां पे एंड, जहां पे एंड है वहां पे और, बस ये इस तरीके से करना है। ड्यूअलिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब सेम एज इट इज है, और तो एंड में एंड को और में और सी रहेगा तो टी रहेगा तो सी। ओके इसको नोट डाउन कर लो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला है नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या बोला नेगेशन है कंपाउंड स्टेटमेंट, देखो दो स्टेटमेंट इसको लिए कंपाउंड बोलते हैं, सिंगल रहता तो स्टेटमेंट है और मोर देन वन रहता तो कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके तो सबसे पहला काम क्या करना है लेट कर लेना सॉल्यूशन में, पी को सपोज कर लेना एक्स प्लस एट ग्रेटर देन 11 एंड क्यू को सपोज कर लेना है वाई माइनस 3 इक्वल टू 6। ओके अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी यहां पे क्या और है ना पी और क्यू, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, फिर लिखो इट्स नेगेशन इज क्या जाएगा यहां पे लिखता मैं इसका नेगेशन नेगेशन ऑफ पी और क्यू, इसका नेगेशन कर दिया पहला काम, एक को पी दूसरे को क्यू सपोज कर लिया, फिर क्या करना है इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, फिर इसका नेगेशन करना है, नेगेशन क्या जाएगा नेगेशन ऑफ पी और का एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब इस जो स्टेटमेंट इसको इस फॉर्म में लिखना है तो लिखो नेगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके ये आपको हर जगह लिखना है, तो पहला क्या है x प्लस एट है यहां पे क्या इसको काट दो 11 हो गया और यहां पे एंड हो जाएगा, और y माइनस 3 है इसको भी काट दो 6 हो गया, इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो कैसा और कर देता हूं मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस एट लेस देन 11 एंड y माइनस 3 इसको काट दो 6।
ओके तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो इस तरीके का क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे इजी पैटर्न है कि क्या करना है, पहले वाले को पी सपोज कर लो, दूसरे वाले को क्यू सपोज कर लो। तो मिस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना, कोई घाई नहीं। पहले वाले को पी, दूसरे वाले को क्यू, ओके। उसका कहना है इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया। फिर सिंबॉलिक फॉर्म का क्या करना है, नेगेशन करना है। सिंबॉलिक फॉर्म का क्या किया, नेगेशन कर दिया। अब नेगेशन करने के बाद हमको क्या करना है, जो स्टेटमेंट उसका नेगेशन करना। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो ना। मैं इसको देखो ये क्या है, x प्लस एट है, इधर का से इधर कर दे 11 और जब एंड हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या y माइनस 3 कर दो इसको, ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं करना, हमको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, ओके। इसके लिए मैंने यहाँ पे मस्त जैसा आपको बुक में कराया गया है, टेस्ट बुक में सेम उसी पैटर्न में कराया मैंने। फिर वापस से जो क्वेश्चन उसको नेगेशन के फॉर्म में लिख दो, हो गया खत्म। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको ध्यान से देखो। सेम पहले वाले को क्या करना है, पी सपोज करना है, दूसरे वाले को क्यू सपोज करना है, ओके। सपोज कर लिया, अब इट्स सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, मैं यहां पे ज्यादा इसलिए लिखूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या एंड है, तो पी एंड क्यू। अब इसका नेगेशन लिखो, इट्स नेगेशन इज, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। एंड का और का एंड में क्या हुआ, चेंजेस हो गया है, ओके। ये हो गया आपका, देखो ये नेगेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो नेगेशन पे हो गया, ये एंड था, एंड का क्या हो गया, और हो गया, नेगेशन क्यू हो गया, ओके। अब क्या करना है, नेगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड, यहां पे लिखो नेगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके, नेगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, फिर से इसको चेंज कर दो। चेंज करने का तरीका क्या, अपने को पता है, ये देखो 11 है, इधर का इधर कर दो 15, एंड का और हो जाएगा 25 है, ग्रेटर देन था लेस देन कर दो, खत्म। या तो और करके एक और कर सकते हो, 11 लेस देन ना हो के इक्वल टू काट दो इसको 50, और 25 ग्रेटर देन ना हो के इसको क्या कर दो, काट दो 20। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों आप कर सकते हो, ओके। अब देखो इसको भी सेम काम करना, सॉल्यूशन में आ जाओ। लेटा पहले पी सपोज कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर, फिर क्यू क्या सपोज करेंगे, इट इज अ रॉम्बस, ओके। क्वाड्रिलेटर क्या स्क्वायर है, इट इज क्या है, रॉम्बस। फिर इसका सिंबल फॉर्म लिखो, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, तो पी डबल इंप्लाइज क्यू हो जाएगा, ओके। तो इट्स नेगेशन, नेगेशन इज, तो नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू। अब क्या होता है नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू का, तो उसका फॉर्मूला हमको पहले क्या करना पड़ा, जनरेट करना पड़ा। देखो पी डबल इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू होता है, पहले वाले का क्यू के साथ इंप्लाइज कर दो, पी इंप्लाइज क्यू, इसको हटाने के लिए एंड का साइन, फिर इसका करो क्यू इंप्लाइज पी, ओके। देखो जन ध्यान देखो, हाँ जब भी आपका डबल इंप्लाइज का फॉर्मूला आता है, तो मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं कि पहले क्या करने का, पी कैम प्लस क्यू के साथ, फिर क्यू कैम प्लस पी के साथ। जिसमें दो दोस्त थे, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि भैया चल आज मेरे को भूख लगा, तेरे घर पे खा दो, पर तुम्हें घर पे खा लेना, या तो कॉलेज स्कूल कहीं गए हैं तो बोलता है कि देख मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को तू खिला दे, कल नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को खिला दूंगा। तो इसे यहाँ पे सेम हो रहा है, देखो पी डबल इंप्लाइज क्यू बहुत खास है। तो पहला बोला पी कि भैया आज तू खिला क्यू को, क्यू खिलाया, फिर यहाँ पे क्यू बोला भैया आज तू खिला, मतलब पहला पी इंप्लाइज क्यू होगा, फिर क्यू इंप्लाइज पी होगा, बीच में एंड का साइन होगा, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो इंप्लाइज का फॉर्मूला क्या, पहले वाले का नेगेशन इसके लिए और क्यू सेम, फिर इसको हटा दो, इसका एंड हो जाएगा सेम ही रहने वाला है, फिर इसका भी नेगेशन और पी सेम, ओके। अब इसका नेगेशन करना है, तो चलो नेगेशन कर लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी, ये हो गया। अब नेगेशन मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे करूँगा तो पी हो जाएगा सिर्फ, ये और का एंड हो जाएगा, यहाँ पे क्यू का नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, ये भी और हो जाएगा, यहाँ पे चेंज करते हैं, नेगेशन कैंसिल क्यू हो जाएगा, फिर देखो ये क्या है, और ये और का एंड हो जाएगा, ये पी का क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, ओके। क्योंकि देखो ये नेगेशन कैंसिल यहाँ, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है आपका आंसर। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या रहा है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और
क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। मैंने यहां पे क्या किया, आपको डायरेक्ट लिख दिया है, बट मैंने आप इसको सॉल्व करके दिखाया कि ये कैसे आया। ओके तो आपको भी अगर नहीं समझता तो डायरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, तब उसको आराम से पीछे वाले पेज पे अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर उसको क्या करो लिखो, अदरवाइज आपका मार्क्स कटने के चांसेस है। ओके इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। ओके अब आ जाते हैं, हमने इसका नेगेशन ले लिया, अब लिखना है नेगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ गिवेन कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके तो पहला क्या देखो है, पहला अपना क्या आया है पी, और पी अपना क्या है क्वाड्रेटर इज अ स्क्वायर, तो लिखो क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर। फिर क्या है एंड है, एंड फिर क्या है नेगेशन ऑफ क्यू, इट इज फिर लिखो इट इज नॉट अ रोम्बस है ना, इज नॉट अ रोम्बस पहला तो हो गया, फिर क्या है और है, यहां पे लिखूंगा और, फिर क्या है क्यू पहले लिखा है तो लिखो इट इज अ रोम्बस। ओके फिर क्या है एंड है तो एंड, फिर क्या है नेगेशन ऑफ पी तो क्या है क्वाड्रिलेटर इज अ इज नॉट अ स्क्वायर, बराबर क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना है। ओके इस तरीके से आपको करना है, ये आपको कंडीशन में क्या करना, आपको ध्यान रखना है, ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है, इसके हिसाब से क्या करना है जो स्टेटमेंट उसको लिखना है। ओके अब आ जाओ कौन सा है फिफ्थ नंबर, गलती से फोर्थ नंबर यहां पर लिखते हैं, फिफ्थ नंबर यहां पर, तो पहले फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में क्या है कि इफ देखो कोल्ड का मतलब तो क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल हा, तो पहले वाले क्या कर लेते हैं हम लोग, सपोज इसको कर लेते हैं इट इज क्लाउड पी, फिर इट इज रेनिंग क्यू, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा एंड है ना, तो पी एंड क्यू, तो इट्स अ नेगेशन, इट्स नेगेशन इज क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, तो इसको लिखो पहले पी है ना, तो इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग, क्योंकि भाई अगर क्लाउड है नहीं तो रेनिंग होगा ही नहीं, इसको हमने बना दिया इसके हिसाब से, ये हो गया सॉल्व खत्म। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे, पहले फोर्थ कर ले फिर फिफ्थ करते हैं, फिर तुम्हें सेम काम करना है, इट इज रेनिंग पी, देन वी विल गो क्यू एंड वी विल प्ले आर। ओके इट इज रेनिंग पी, वी विल गो क्यू, वी विल प्ले फुटबॉल आर, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा पी देन इफ देन, तो ये इंप्लाइज और यहां पे एंड है तो क्यू एंड आर। ओके ध्यान देखो इफ देन है तो पी इंप्लाइज हो गया, फिर दोनों के बीच में क्या एंड है तो ये एंड हो गया। अब इसका नेगेशन लिखना है, इट्स नेगेशन इज नेगेशन ऑफ हा पी इंप्लाइज क्यू एंड आर। अब देखो इसको भी हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, चलो यहां पे दिखाता हूं मैं आपको फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। देखो P implies Q का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन दूसरे वाले को एज इट इज, तो यहां पे सेम यहां पे इसके हिसाब से बनाता हूं मैं, हाँ ये देखो पहले वाले के हिसाब से, अब इसके हिसाब से बनाता हूं मैं, P implies Q and R, तो पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला सेम, आपका इस तरीके से बन गया, ये बन गया फॉर्मूला। अब नेगेशन लगाऊंगा, ये नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पी बचेगा और का एंड हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा और ये और हो जाएगा नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा, ये इस तरीके से आपका नेगेशन हो गया। तो यहां पे मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं कि पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर। ओके इस तरीके से पहला क्या करो फॉर्मूले लगा लिया, देखो फॉर्मूला आने के बाद यह फिर इसका नेगेशन करेंगे, नेगेशन से मल्टीप्लाई करें तो नेगेशन कैंसिल, पी हो जाएगा ये ऊपर का नीचे, ये और का एंड हो जाएगा, ये क्यू नेगेशन हो जाएगा, ये एंड का और हो जाएगा, ये आर भी नेगेशन हो जाएगा। ओके क्योंकि हम लोग नेगेशन कर रहे हैं, तो नेगेशन कर लिया इस तरीके से, अब क्या करना है इसके हिसाब से उसको बिठा लो,
पहला क्या है, पी है, तो लिखो नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा, पहला पी है तो इट इज रनिंग, फिर क्या है एंड वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गोइंग, वी विल नॉट गोइंग, या तो नॉट गो लिखो, और यहां पे और है, और वी विल नॉट गो, और वी विल नॉट प्ले फुट बॉल। ओके, जब रेनिंग हो रही है तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, जब बाहर जा ही नहीं सकते तो फुटबॉल खेलने की तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर कहां हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोगों ने पूरे 5 क्वेश्चन किए हैं, बचे हैं 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आए दोस्तों बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो इट्स नेगेशन इज, क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट 2 इज नॉट, यहां पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, नॉट अ रैशनल नंबर। अब देखो ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर। यहाँ पे बोल के देख, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि नहीं होते, क्यों, क्योंकि हमको उसका नेगेशन बताना। ओके, फिर यहाँ पे देखो फॉर ऑल एन एक्स बिलोंग्स टू एन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल ऑफ फोर्थ इज डज नॉट डिविजिबल ऑफ, तो इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय फोर्थ, क्योंकि हमको नेगेशन करना, नेगेशन करते, फिर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट x माइनस 17 इज इक्वल टू कितना है, 20 है। ओके, तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे इसको क्या करो, यहाँ पे साइन इसको काट दो, या तो ऐसा करो x माइनस 17 लेस देन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन 20 कर दो, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा खत्म हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यार बोला है कि हमको फाइंड करने वाला है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, तो यहाँ पे अभी मैं छोटा सा लिख देता हूं। हाँ, पहला क्या रहेगा आपका, ये पी इम्प्लाइज क्यू रहता है, इसका कन्वर्स करना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी, फिर इनवर्स करना है, तो पहले वाले का नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है तो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म लिख लो, ये हो गया आपका पी और एक क्यू, ये पी एंड एक क्यू, आप चाहो तो इसको अच्छे से लिख सकते हो, हैं कि चलो ठीक है मैं लिख ही देता हूं। P में क्या हो जाएगा x लेस देन y, एंड Q में क्या हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या हो जाएगा P इंप्लाइज Q। अब इसको मत लिखो, डायरेक्ट लिखो तो भी चलता है, तो फिर पहला ये हो गया, फिर कन्वर्स, फिर इनवर्स, फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, अब आ जाते हैं कन्वर्ज में क्या होता है, कन्वर्ज में क्या होता है, इसको फ्लिप कर दो, Q इंप्लाइज P, P इंप्लाइज Q, तो यहां पे क्या कर देंगे Q इंप्लाइज P। इनवर्ज में क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में सेकंड वाले का नेगेशन, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। अब क्या करना है, वैल्यू को लिखो, क्या था पहले Q है ना, तो यहां पे चेंज करता हूं, इज दैट क्या देगा Q इंप्लाइज P है ना, तो इफ Q क्या है अपना, ये है x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x लेस देन y। ओके, फिर आ जाओ सेकंड में, इनवर्स में क्या है, पहले वाले का नेगेशन कर दो,
इफ एक्स एक्स ग्रेटर देन वाई देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर हो गया। फिर थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड वाले क्या करना, सेकंड वाले का नेगेशन करना, क्योंकि देखो यही है ना, सेकंड वाले का नेगेशन है ना, तो जाएगा इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, खत्म। नेगेशन तो नेगेशन कर दो, नहीं है तो नहीं है। ओके तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि पहले कन्वर्ट देखो, पहले कन्वर्स क्या होता है, पहले वाले को फ्लिप कर दो सेम रहेगा। इनवर्स क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन कर दो, और क्वांटा पॉजिटिव क्या होता है, क्वांटा पॉजिटिव कन्वर्स का नेगेशन कर दो। ओके अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ, आप यहां देखो, अ फैमिली बिकम लिटरेट ये आपका हो गया पी, इफ द वुमेन बी लिटरेट ये आपका क्यू हो गया। तो इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म, पी इंप्लाइज क्यू। अब क्या है कन्वर्स, इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ओके। अब देखो इसको लिखते हैं हम लोग, कन्वर्स क्या होता है चेंज कर दो, फ्लिप कर दो, क्यू इंप्लाइज पी हो जाएगा। इनवर्स क्या होता है, पहले वाला का नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू, हाँ नेगेशन ऑफ क्यू। और क्वांटा पॉजिटिव क्या होता है, क्वांटा पॉजिटिव होता है सेकंड वाले का नेगेशन, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। अब क्या करना है, इसका स्टेटमेंट बना लो, इसका स्टेटमेंट क्या जगह यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ेगा, यहां से लिखता हूँ, कन्वर्स है ना तो पहले लिखना पड़ेगा द वुमेन, इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट देन A family becomes literate. Okay? पहले क्यू को लिखे फिर बाद में पी को, अब देखो नेगेशन दिया है तो देखो लिखना उनको, a family becomes, a family does not literate. Okay? Then the woman in it is not literate. Okay? फिर यहां पर सेम इसका लिखो, the woman, यहाँ पे हाँ चलो यहाँ पे जगह लिख देता हूं मैं, चलो इसका भी लिखता हूं ना, पहले वाले का कुछ क्या फर्क पड़ता है, लिखो अ फैमिली बिकम डज नॉट लिटरेट इफ हा देन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। ओके अब लास्ट वाले पे आ जाओ, लास्ट वाले में क्या है, पहले इसका नेगेशन है, इफ द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट देन अ फैमिली डज नॉट बिकम becomes literate. ओके okay, इस तरीके से लिखना, does not इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या फिफ्थ फॉर्म है। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखो सरफेस एरिया डिक्रीज ये पी हो गया और प्रेशर इंक्रीज क्यू हो गया। ओके तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पी इंप्लाइज क्यू। तो पहला क्या है कन्वर्स, फिर इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बस। अब देखो इसका कन्वर्स क्या जाएगा, क्यू इंप्लाइज पी हो जाएगा कन्वर्स, और इनवर्स क्या जाएगा नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ओके अब लिखो पहला क्या है, क्यू इंप्लाइज पी है ना, तो प्रेशर इंक्रीज, इफ प्रेशर इंक्रीज देन सरफेस एरिया डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। अब यहां पे आ जाओ नेगेशन है, तो इफ
सरफेस एरिया क्या डिक्रीसेस सरफेस एरिया इफ डज इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस इफ सरफेस एरिया इज नॉट तो डू नॉट डिक्रीज डू नॉट अच्छा डज नॉट आएगा डज नॉट डिक्रीजेस देन देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज जब सरफेस एरिया जो इसका डिक्रीज ही नहीं होगा तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा फिर लास्ट में सेकेंड वाले का इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस ओके ये हो गया अब क्या करना है लास्ट क्वेश्चन है ये हो गया आपका पी हो गया और यहां पे क्यू हो गया देन आपका तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा पी एम प्लस क्यू फिर इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ओके तो इसमें क्या होगा कन्वर्ज में क्या होता है कि इसको फ्लिप कर दो क्यू इंप्लाइज पी हो जाएगा और इनवर्स में क्या होता है इनवर्स में फर्स्ट वाले का नेगेशन ले लो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है सेकंड वाले का नेगेशन नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी ओके अब इसका जो स्टेटमेंट है वो आप लिख लोगे ओके तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टोटल पूरे फोर थे इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में टू टू थ्री मार्क के लिए पूछते हैं दो मार्क के लिए 100% इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन क्वेश्चन को चेंज करके देंगे लेकिन क्वेश्चन इसी फॉर्म में होगा ओके तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज खत्म होता है ओके आप अच्छे से वीडियो को रेफर कीजिए और अगर एक क्वेश्चन कुछ डाउट है तो उसको वापस एक बार वीडियो को वापस से प्ले करके देखिए अगर फिर भी आपको नहीं समझता तो हमें कमेंट करके बताएं हम लोग उसको वापस से करके देंगे और इसके बेसिस पे आप क्या करना है आपको मिसलेनियस के जितने भी सम्स है आपको सॉल्व करना है ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।